हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आज के लिए बनी और फर्दर क्या कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही। जो भी हम यहाँ लर्निंग करेंगे प्राइस पैटर्न के बेस में करेंगे, बाइंग करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो रहेगी, तो आपको उसके लिए रेडी रहना होगा क्योंकि यहाँ पे हम रेगुलर बेस से अपडेट देते हैं क्या सेंटीमेंट है, किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से प्राइस पैटर्न का मूवमेंट आज पूरे दिन में रहा है। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। सबसे पहले हम ग्लोबल कंडीशन को देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो डॉलर इंडेक्स मॉर्निंग की डिस्कशन हमने किया था कि 106 इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, 105.9 या फिर 6। अगर मार्केट के लिए ये नीचे निकलता है तो 105.7 की बात हुई, 105.9 रहेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं लगभग ये 0.4% के आसपास गिरावट देखने को मिली है, छोटी छोटी कैंडल्स जो इसने बनाया है। लेकिन इसके कंपैरिजन में भी गोल्ड और सिल्वर में उतनी तेज़ी नहीं देखने को मिली, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ ना कुछ यहाँ पे प्राइस पैटर्न में कुछ चेंज होते हुए देखने को मिले। गोल्ड की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट इसके लिए 105.33 है और ऊपर के लिए सारे अभी रेजिस्टेंस के लिए काम करने वाले हैं। तो इसको हम जैसे एक व्यू बिल्डिंग के लिए देखते हैं क्या कंडीशन यहाँ बन रही है। इसके बाद में गोल्ड अगर को देखते हैं आप, गोल्ड मिनी का कॉमेक्स का जो रेंज बना रखा है, आज की ओपनिंग होती है उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे करके प्राइस पैटर्न बनाता हुआ ट्रेड करता है। जब हम मॉर्निंग में डिस्कशन कर रहे थे उस समय यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था, उसके बाद एक स्पाइक लगाता है और 2346 का जो हमारा लेवल था उसके आसपास अगर आप देखो तो हाईएस्ट इसने लगाया 45 का लेवल और फिलहाल इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ भी एक नैरो जोन का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन एज हम अगर इंडेक्स को देखते हैं तो उसकी कंपनी में हम थोड़ा सा पुल बैक हायर साइड में आना चाहिए, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। इसका मतलब है कहीं अगर थोड़ा सा डॉलर और स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेगा, हायर साइड जाएगा इंडेक्स, तो यहाँ पे गिरावट तेज़ देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं फ्रेंड, तो जो MCX है, MCX की कंडीशन अगर आप देखते हैं पूरे दिन का रेंज, एक रेंज का फॉर्मेशन है, हाईएस्ट इसके लिए जो बना रखा है 71,600। मॉर्निंग का डिस्कशन पॉइंट अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर कट आए होंगे नज़र में। साथ में नीचे सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल के आसपास एक पूरे दिन ट्रेड किया है। अगर यहाँ से ब्रेक करता डाउन साइड के लिए, हमारे लिए जो लेवल था वो था 71,200 का लेवल, तो जैसे डाउन साइड आया था लेकिन ये 260 से 60 पॉइंट ऊपर से ही निकल गया। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ भी एक नैरो जोन का फॉर्मेशन कर रहा है, एक रेंज का फॉर्मेशन है, तो यहाँ भी आपके लिए अलर्ट लेवल बनेंगे। साथ में अगर हम सिल्वर को देख लेते हैं, कॉमेक्स को, सिल्वर कॉमेक्स एक रेंज में फंसा हुआ है। अब इसके लिए जो रेंज का फॉर्मेशन है जिसने हायर साइड में पोजीशन बनाई है वो 1 बजे के आसपास, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आज के लिए रहेगा, जो 29.7 या फिर 29.8 का इसके लिए लेवल रहेगा। तो इसको आपको वॉच करना पड़ेगा एज ए रेजिस्टेंस। तो ये इम्पोर्टेंट कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। नीचे का सपोर्ट लेवल ऑलरेडी 29.5 है, उसके बाद में इसने जो बॉटम बनाया है ये इसके लिए सपोर्ट लेवल का काम करेगा। ओवरऑल अगर इस पर कंडीशन हम देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बैक साइड जाना पड़ेगा उसके लिए, तो इसको अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो ये लेवल इसके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे इतनी पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। अब इन सभी के बीच में जो हमारा स्टडी पॉइंट था, हम उसको चलते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन बनी हुई है। अगर आप ओवरऑल कंडीशन देखते हैं तो करंट अभी मैं आपको जो जून कॉन्ट्रैक्ट है उसका अगर वॉल्यूम और अदर कंडीशन आप देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ गिरावट देख रही है 108 पॉइंट की, लेकिन वॉल्यूम लगभग ड्राई हो गया है यहाँ पे। साथ में जून की अगर आप मिनी को देखते हैं तो यहाँ भी आप देख रहे हो लगभग वॉल्यूम ड्राई हो गया, यहाँ भी लगभग 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। अब दूसरी अगर हम करंट सिचुएशन देखते हैं, सिल्वर मिनी में क्या प्राइस पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो सिल्वर मिनी को अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है और रेंज इसके लिए जो 530 का हाइएस्ट है और नीचे लोएस्ट जिसने फॉर्मेशन कर रखा है, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है, जो 91,000 का लेवल है। फिलहाल इसी के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है पूरे दिन की जो ट्रेडिंग आज की रही है। स्पाइक होता है बट ये ओपनिंग होने के बाद में डाउन साइड आके करेक्शन, ये कहीं एक कुछ प्रॉब्लम रही होगी उसके कारण इतना हो सकता है, अदरवाइज इसकी ओपनिंग इसी रेंज में होने के चांसेस बनते हुए देखने को मिल रहे थे। ओवरऑल कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड, तो अभी भी एक रेंज का फॉर्मेशन है, रेंज अलर्ट लेवल है। अब यहाँ पे जितना टाइम बिताएगा उतना हमारे लिए नए पोजीशन के लिए ये ओपन करता हुआ देखने को मिलेगा। 4 आवर सेटअप में अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो 4 आवर सेटअप में भी ये जो कंडीशन बनाई है ओवरऑल फॉलो अप है मेजर ट्रेंड डाउन साइड का, इस वजह से हम इसी को बेस मान के अभी ओवरऑल कंडीशन बाइंग के लिए अभी अलर्ट लेवल है, तो ये आपको वॉच करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम देखते हैं जो सिल्वर
माइक्रो है। माइक्रो में आप लोग जो मेरे साथ रेगुलर अपडेट रहते हैं, अगर इसको कंडीशन को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड, तो ओवरऑल सिचुएशन ये जो है एक रेंज का फॉर्मेशन है। ये रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया था, अभी भी ये कंडीशन इंपॉर्टेंट 90,600 से लेके 91,200 ये लेवल इंपॉर्टेंस के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये 200 से 250 पॉइंट इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। और सबसे पहले जो इमीडिएट इसके लिए रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है 91,700 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जहाँ पे इसने आज फॉर्मेशन किया है, आज का हाईएस्ट ओपन किया था। तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए लगभग बनता हुआ जो देखने को मिल रहा है वो लगभग 91,600-700 का लेवल रहेगा। और ये करंट अभी इसी हायर साइड लोअर साइड कर रहा है, लेकिन ये बेल से फॉर्मेशन कर रहा है। और इस कंडीशन को अगर आप देखते हो तो चैनल के फॉर्मेशन के बेस में अब यहाँ पे या तो रुकेगा, आज इसमें बहुत बड़ा ब्रेकडाउन मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वीक में जो मेजर इवेंट है वो भी होने वाले हैं और उसका इम्पैक्ट आपको जो फेड की मीटिंग होगी इम्पैक्ट हो रहेगा उन सब में देखने को मिलेगा। इस वजह से थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर पॉज कंडीशन बना रखा है। अगर यहाँ पर ये 91,600-700 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तभी इसमें 92,000-92,300 के लेवल के लिए देखा जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन रहेगा, डाउन साइड जाने पे आपके लिए अभी 91,000 इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, उसके बाद में 90,600 इम्पोर्टेंट जोन का फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिल रहा है आवर्ली टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पे 4 आवर सेटअप में देखने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो बड़ी गिरावट के बाद में एक मार्केट रुक रहा है, वेट कर रहा है फर्दर कन्फर्मेशन के लिए। लेकिन ये सपोर्ट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट। अगर ये सपोर्ट लेवल नहीं होता तो हम यहाँ पे स्ट्रांग मूव के लिए डाउन साइड के लिए देख सकते थे, लेकिन ये सपोर्ट लेवल है। और साथ में थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है, जो डॉलर इंडेक्स है वो निगेटिव जा रहा है और सिल्वर अभी पॉज में बना हुआ है। तो ये कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है, थोड़ा सा इसके लिए अलर्ट लेवल है। तो आपको यहाँ पर ये वॉच करना पड़ेगा फर्दर डिसाइड करने के लिए मार्केट में क्या कंडीशन है। ओवरऑल मेजर ट्रेंड की बात कर लेते हैं तो नेगेटिव है। माइनर ट्रेंड की अगर बात कर लेते हैं तो माइनर ट्रेंड थोड़ा सा भी पॉज लेने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल अभी बाइंग के लिए एज पर माई व्यू बचना चाहिए। नेक्स्ट आपके ऊपर है, रिस्क रिवार्ड को माइनस करके एंट्रीजिट का प्लान करिए। अगर आपने कहीं हायर साइड में बाई कर रखा है, यहाँ पे इस जोन पे कहीं आपका बाई है और ये ट्रेंड नेगेटिव साइड में है, साथ में फॉलोअप भी आता, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इस जोन तक आई थिंक थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, बट ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मेजर डाउन मूव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार मार्केट हायर साइड का ही चलता हुआ जा रहा है। तो ये सारी कंडीशन आपको वॉच करनी पड़ेगी। फाइनली एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन का था, इंगल्फ भी किया था, उसका फॉलोअप आया, नेगेटिव पैटर्न बनाया। आज की क्लोजिंग अगर यहीं पर होती है, जो इसने 91,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसके आसपास ट्रेडिंग क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर मार्केट के लिए थोड़ा सा वीकनेस ही कंटिन्यू रहेगी। ओवरऑल कंडीशन के लिए हम नेक्स्ट बुक्स में देखेंगे, फिलहाल आज के लिए मार्केट एक पॉज कैंडल एज पर माई भी बनता हुआ देखने मिला। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।